अभी तक आपने मुझे मेरे दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हुए देखा होगा, मगर आज का ट्रिप बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लाइफ में पहली बार बीच एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये ट्रैवल सीरीज बहुत ही अलग होने वाली है, तो चलो आपको भी लेके चलता हूँ अपने साथ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित भारिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जा रहे हैं कोंकण रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए महाराष्ट्र के, और मैंने इससे पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं सिर्फ गोवा के बीचेस एक्सप्लोर किए, महाराष्ट्र में कभी कोई बीच पे नहीं गया हूँ। अब बहुत पहले एक अंजराले बीच पे गया था, बट दैट टू जस्ट फॉर वन डे शूट अप। पर आज मैं अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज हम निकल रहे हैं हरी हरेश्वर के लिए, और मेरे साथ है मेरे घर वाले, मम्मी पापा है, ये लोग पुणे आए हुए हैं मेरे घर पे। और पहले हम माथेरन गए, आज मैं बीच लेके जा रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं इनको बीच पे लेके। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है शमीर। सो हरी हरेश्वर अगर आपको जाना है पुणे से, तो तामनी घाट से होते हुए जाना पड़ेगा। इट्स अराउंड 165 किलोमीटर्स, कोई हाईवे वाला रास्ता नहीं है, तो आई थिंक आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम लगेंगे बिना रुके जाओगे तो ऑब्वियसली, बट हम रुकते हुए जाएंगे तो 5 से 6 घंटे मान सकते हो। और आज हम एक दिन का ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आराम से वहाँ पर रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे आसपास बहुत सारी जगह हरी हरेश्वर बीच के आसपास। और आज का वेदर लकीली बहुत ज़्यादा अच्छा, पता पिछले 5-6 दिन से ना धूप हो गई थी, अब सितंबर स्टार्ट हो गया तो धूप हो गई है, बट लकीली आज इट्स रेनिंग, इट्स वेरी क्लाउडी, सो मिस्टी वेदर। आपको पता है मानसून सीरीज आप सब लोगों ने देखी है, आपको अच्छा लगता है, मेरे को भी ऐसा अच्छा लगता है। आई एम ऑलरेडी वेरी हाई टुडे टू शूट वीडियो बिकॉज़ ऑफ द वेदर। सो अभी हम तावनी घाट से होते जा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी कम हो गई। सो या अभी चलते हैं यहाँ से, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। कई देर हो गई थी ड्राइव करते हुए, हम तावनी घाट में यहाँ पे किसी कैफे में रुके हैं, थोड़ी देर कॉफ़ी पीते, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर मज़ा आएगा। ये देखो अच्छी सी जगह लग रही है, मानसून में ऐसे रस्तों पर रुकने वाला ही मज़ा आता है, बैठ के यहाँ से खड़े होकर सामने से व्यू एंजॉय करो। देखो ये सब चला जाएगा जैसे ही मानसून खत्म होगा, एक महीना और है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट इट्स ऑल ग्रीनरी, ब्यूटीफुल वेदर। हमने सोचा हम बाहर खड़े होकर कॉफ़ी पी लेते हैं, अच्छा अच्छा ठंडे वेदर का एंजॉय करते हुए। हो गया रेस्ट, चले दे यहाँ सामने देखो, देवकुंड वाटरफॉल ये पास पास में ही सारी चीजें, यहाँ बहुत सारी जगह है, देवकुंड वाटरफॉल है, अंधारवन पॉइंट है, मुलशी है, और तामनी घाट तो चल ही रहा है। हाँ ये सारी इसी रास्ते पे ही है, वैसे पता नहीं चला तामनी घाट कैसे पहुँच गए हम लोग। हाँ ये तामनी घाट है, पूरा घाट होता है ना, पूरा क्रॉस करते पहाड़ से ऊपर, महाराष्ट्र में पूरे घाट ही घाट है। चले गाइज, अभी हम निकल चुके हैं, कॉफ़ी पी ली है, फुल एनर्जी आ गई है, और मेरा ड्राइव करने का मन कर रहा था, यानी कि अब ड्राइव करते हैं तामनी घाट से, ऐसे घूमते हुए रस्ते हैं ना तो ड्राइव करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। फिलहाल अभी यहाँ से हमें 2.5 घंटे और लगेंगे पहुँचने में, चल रास्ते में जाते हुए मज़े करेंगे आराम से। साइड में देखो कितने प्यारे व्यूज दिख रहे हैं तुझे, यहाँ झील है। आप यहाँ पे पुणे में आओगे ना मानसून के वेदर में, यहाँ पे कम से कम 100 लोकेशन से घूमेंगी, 100 होंगी ऐसी लोकेशन, और मैं हर साल नई लोकेशन एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे अभी 5 से 6 लोकेशन और पता चली जहाँ मुझे जाना है, अभी मानसून ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। सो जब आप थामनी घाट से जा रहे होगे, आपको रास्ते में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स के व्यू दिखेंगे, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पे, लाइक बिकॉज ये हाफ घाट है ना ऊपर हाइट पे, तो यहाँ आते ही पूरा वेदर चेंज हो जाता है। और यहाँ से देवकुंड वाटरफॉल बहुत पास में है, वो वाटरफॉल लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन दिस रीजन, तो वो भी आप कवर कर सकते हो, उसके लिए फिर अलग से एक दिन चाहिए। बट आप जाओगे ना पूरी जर्नी वो बहुत अमेजिंग है, अगर आपको देखने तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने तामनी घाट की वीडियो बनाई देवकुंड की अलग से, वो देख सकते हो आप। और मील वाइल हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और ये क्रॉस करते हैं, ऑलरेडी आई थिंक 11 बज चुके हैं।
इस बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट पर रुके हैं तामनी घाट में। ये मेरा फेवरेट व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरे घाट दिखते हैं। चलो आगे चलते हैं। वहाँ से ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, वहाँ से नीचे बहते हुए आगे जंगल में चला जाएगा। लोग नीचे भी जा सकते हैं? हाँ नीचे जा सकते हो आप, पर वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है, यहाँ से अलग रास्ता होगा थोड़ा सा नीचे जाने का। नीचे जाके आराम से बैठ जाओ, मज़ा आएगा। ये तामनी घाट में ना सबसे फेमस स्पॉट है यहाँ पर रुकने का, यहाँ से पूरा पीछे का व्यू दिखता है। सीधे बिल्कुल सीधे अभी जस्ट हमने तामनी घाट क्रॉस किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड आ गए हैं, फॉग आ गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत धीरे चलाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे है ना, इसलिए ये देखो पूरा फॉग है सामने। पर जैसे जैसे हम नीचे उतर जाएंगे आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। तो ऐसा मौसम जनवरी में होता है, वो भी एक दो दिन ही होता है जब धुंध होती है। ऐसा लग रहा है कि हम सर्दियों के महीने में यहाँ पे आके ठंड के दिनों में हमारे यहाँ जैसे ठंड होती है ना, तो यहाँ तो इन दिनों में इतने बदल और ये धुंध नजर आ रही कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा ड्राइविंग करते हुए। बिल्कुल ऐसे हम अंधेरा हो गया, देखो अंधेरा सा हो गया बिल्कुल ही। ऐसे ही मतलब सोच रहे हैं कि जैसे सर्दियों के दिनों में कहीं जा रहे हैं ठंड के दिनों में, और स्वेटर नहीं पहने, स्वेटर नहीं, ठंड नहीं लग रही पर अमेजिंग कर रहे हैं अभी जैसे ठंड के दिन। सामने वाटरफॉल है, चलो चल फिर। और कैसा लग रहा है आपको लग रहा है? अभी तो आज आप बीच देखने वा रहे हो, लाइफ में पहली बार मेरे घर वाले बीच देखने वाले, कभी इन्होंने बीच नहीं देखा है। तो अभी हम पहले निकले, बारिश आई, फॉग आई, वाटरफॉल, मॉनसून सब दिखा देंगे आज बीच भी। हमने कितने वाटरफॉल देखे अभी तक? अभी तक वाटरफॉल ही देखे। तो अभी आपको क्या देखना है? ये अच्छा वाटरफॉल है, वो छोटा था पीछे वाला, ये बड़ा वाटरफॉल है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम रास्ते में ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे क्योंकि आज की जर्नी बहुत लंबी है, पर फिर लगा कि मानसून के अभी कुछ ही दिन बाकी है तो क्यों ना थोड़ा वाटरफॉल के साइड में रुक के भुट्टा खाते हुए मानसून की प्रॉपर वाइब्स ली जाए। देखो जहाँ हमें जाना है वहाँ हम पहुँच तो जाएंगे ही, पर रास्ते में रुक के इन्जॉय नहीं किया तो क्या किया। Hey guys, before I go further, I want to talk about one thing, background music. You know, I think it plays an important role in all of my videos which I create, like whether I'm creating travel videos, tutorials, I always use background music. And in this whole video, I have used the songs from Epidemic Sound, which is also the sponsor of this video. You know, the
best part about Epinemic Sound is the instrument. Like, you can select a particular song and you can just take out only the instrument part and use in your videos. Like, it becomes like your own custom song, and that creates your own flavor in your videos. And also, it's very easy to find songs in Epinemic Sound. Like, you can apply different sort of filters and then just download the song and use in your videos. And along with that, Epinemic Sound also provides more than 90,000 sound effects. So, like, you're all sorted with just one subscription. So if you want to use Epinemic Sound, then use my code, this code, to get 50% off for the next 2 months, along with 30 days free trial. So let's say if you use any song in your YouTube videos during that subscription period, it will be monetized forever, whether you cancel the subscription later on or not. And thank you so much, Epinemic Sound, for sponsoring this video. You know, brands like this I genuinely like to promote because I use in my videos. And with that said, let's continue with the trial video. तो अपनी घाट से क्रॉस करते ही मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी. पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. अभी भी फिलहाल बारिश होती है. रास्ते में वाटरफॉल के रूप में बहुत मज़ा आया. वहाँ पे बूटा गाया हमने, अच्छा लगा हमें. यहाँ से आई थिंक हाईवे वाला रास्ता शुरू हुआ. अभी देखो कितना टाइम बता रहे हैं यहाँ से. आई थिंक हमने तामिनी घाट क्रॉस कर लिया. ओ, अभी भी 2 घंटे, 82 किलोमीटर है अभी यहाँ से. पता नहीं वहाँ पे बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी आज, पर मज़ा आ रहा है. आज लग रहा है फिर से मौसम में निकले हैं. वैसे लग रहा था पहले तो मौसम खत्म हो गया. अब बिल्कुल क्लियर वेदर हो चुका है, बारिश की बूंद भी नहीं आ रही है. आई थिंक वो घाट की वजह से वहाँ पे बारिश हो रही थी. और यहाँ पे कोई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जहाँ हरियाणेश्वर पड़ता है वहाँ कोई बारिश नहीं. आई थिंक हम 15-20 किलोमीटर यहाँ आए होंगे जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. अभी यहाँ से 60 किलोमीटर और हमें ड्राइव करके जाना है और हम पहुँच जाएंगे. तो जो मैं सोच रहा था आज हम बीच एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, आई थिंक अच्छे से कर पाएंगे बीच एक्सप्लोर. सो जब आप हरियाणेश्वर जा रहे होंगे तो आपको पूरे बिल्कुल नैरो रोड्स दिखेंगे रास्ते में और बहुत सारे गाँव आएंगे. तो आप वहाँ पर रास्ते में खा सकते हो खाना, कई बहुत सारी शॉप्स आएंगी. बट हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच के सीधा लंच करें, क्योंकि अभी भी आई थिंक 1 ही बजा है. तो पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में और बीच में घाट आएंगे, फिर सीधा गांव आएंगे. बट धीरे धीरे चलानी पड़ेगी आपको गाड़ी. ये छोटा सा विलेज क्रॉस करने के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था. लाइक बारिश भी नहीं हो रही थी और धूप भी नहीं थी, और घर वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि रोड के दोनों साइड फुल ग्रीनरी वाले पहाड़ और रास्ते में बहुत सारे ट्रीज भी थे. तो पूरा जंगल वाला फील आ रहा था, और साइड में एक छोटी सी झील भी थी. अभी सिर्फ दिख रहा होगा, अभी सिर्फ 16 किलोमीटर रह गए हैं और हम बीच पे बस पहुंचने वाले. वेदर पूरा चेंज हो चुका है. अभी यू नो देख रहे हो धूप आ चुकी है और गर्मी भी लगना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम पूरा घाट क्रॉस कर दिया. हम नीचे उतर गए हैं, लाइक क्योंकि बीच एकदम कोस्टल एरिया पर होता है, तो वहाँ जाके आई थिंक 3 से 4 डिग्री हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है. और अभी बस थोड़ा और क्लियर हो जाएगा वेदर जैसा मुझे दिख रहा है. हम पहले जाएंगे, हमने एक रिजॉर्ट बुक किया है, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. घर से जब चले हैं ना, उसके बाद धूप अब नज़र आई है और रास्ते में कई तरह के वेदर आए हैं. अभी धूप भी मीठी मीठी लग रही है, वैसे तो हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही है. बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, अच्छा लग रहा है. जैसे जैसे हम बीच के पास जाते जाते ना, रास्ते एकदम छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं. अब देख रहे हो कितने छोटे रास्ते आगे, ऐसे लगे कुछ है ही नहीं आगे, बट आगे एंड में होता है रिजॉर्ट या फिर जो भी है बीच. अब देखो कितने नैरो हो गए, तो सी गाड़ी निकल नहीं सकती यहाँ से. हरियाणेश्वर में स्टे करने के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे प्रॉपर्टी के, तो हमें एक अच्छा सा रिजॉर्ट मिला, तो हमने वो बुक कर दिया जो कि बिल्कुल बीच पे था. सो आपको जब भी मौका मिले, ऑलवेज प्रेफर टू स्टे नियर बीच. पहले अंदर जाते हैं रिजॉर्ट में, उसके बाद चलेंगे बीच. सामने बीच है ना, दिख रहा है ना, ये सामने बीच है. पापा देख क्या है, कैसा लगा? बहुत ऊंची ले रहे हैं यार ये तो. हाँ अच्छी है, ऐसे ही रहता है, ऐसी आती ले रहे हैं, ऐसे ही रहता है हमेशा. समुंदर क्या कह रहे हो? कह रहे बीच के साथ जगह कहाँ है जहाँ हम जाएंगे, जो समुद्र के पास बीच बने होते हैं. जाएंगे ना? हाँ. अभी हाई टाइड और लो टाइड होता है ना. हाँ. समुद्र के ऊपर हाई टाइड और लो टाइड होता है, तो हाई टाइड में समुद्र बिल्कुल यहाँ आ जाता है, लो टाइड में नीचे चला जाता है समुद्र, तो बीच मिट्टी बन जाती है वहाँ. अच्छा अभी हाई टाइड है. हाँ शायद बिल्कुल जमीन कुछ दिखती नहीं है. कभी कहे नहीं जमीन दिखी नहीं.
हर तरफ पानी 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 पानी। रुको अभी चलेंगे थोड़ी देर में बीच में। नहीं मैं तो वैसे नहीं हो रहा, पहले अंदर चले। चल पापा का मन ही नहीं कर रहा अंदर जाने का। सो हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है वो बिल्कुल बीच के सामने, वहाँ बीच है और यहाँ से हम सीधा अंदर चलते हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी। हमने जो बुक किया था वो किया था फैमिली वाला रूम जिसमें हम चार रूम एक ही रूम में रुकेंगे। देखते कितना बड़ा है, फोटो में तो काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे। सही लग रही है जगह? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छा बोल, कोई नहीं रेस्ट कर लो या चलो। चलो चलते। आई थिंक काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ा रूम है ना, मस्त मज़ा आएगा यहाँ पे। दोस्तों के साथ भी आ सकते हो, छः लोग आराम से एक जगह पर रुक सकते हैं। रेस्ट करेंगे थोड़ा, खाना खाएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। हम खाना लेके आए थे क्योंकि मेरा बहुत मन था राजमा चावल खाने का। मुझे पता था बीच साइड पे तो मुश्किल हो सकता था, एटलीस्ट एक टाइम का तो लेके आए, इसलिए हम लेके आए थे। खाते हैं आराम से। खाना इतना अच्छा था कि हमें नींद आ गई थी और हम सो गए आधे पौने घंटे के लिए। अभी फ़िलहाल 5 बज चुके हैं तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले जाते हैं टेंपल में। सो यहाँ पे दो टेंपल हैं, एक का नाम है साउथ काशी और दूसरा है काल भैरव। दोनों आसपास है, बीच वाले रास्ते से आ जाएगा तो हम चलते हैं। आई थिंक बीच पे जा रहे हैं तो मैं अपने शूज़ पहले उतार देता हूँ। अभी कितना अच्छा वेदर लग रहा है ना, मेरे घर वाले पहले ही पहुँच गए यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा लग रहा है सामने, पर पापा कह रहे हैं डर लग रहा है। डर लग रहा है पानी से? क्यों? वो तेरी तो बहुत बड़ा बीच है, देखो ना वहाँ से वो वहाँ तक बहुत खुला बीच है। आई थिंक अब लो टाइट हो गया है। देखो पहले हाई टाइट था ना, अभी लो टाइट हो गया है। वो पोस्ट क्या है, कितने बजे होता है? क्या कितने बजे? नहीं कुछ नहीं है, बस हो गया ऐसे, पानी पीछे चला गया। अब ये सुबह आएगा ऊपर, पता नहीं कब आएगा। वो वहाँ पे कोने पे मंदिर जाएंगे इधर से। चलो हाँ मंदिर वो ऐसे होते हुए जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये बीच देख के? पहले बताओ तो सही मेरे को फीलिंग तो बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बीच अब पहले कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। देखो ऐसा दिखता है, पानी 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 नजर आ रहा है। वो तो हमने नहरें देखी थी, गंगा नदी देखी है, पर समुद्र नहीं है। इसको कहते हैं बीच, ये जो मिट्टी आगे पड़ी है ना, पूरा रेत से जो बना हुआ बीच है। धीरे धीरे पानी ऐसे जाएगा नीचे। हाँ हाँ उधर है, यहाँ से भी जा सकते हैं आगे से, बीच के साथ साथ चल रहे पानी के साथ साथ चलते जहाँ वो बीच बना। हाँ हाँ आप सुबह सुबह उठ के ना यहाँ पे जाना आना, बड़ा मज़ा आएगा सुबह सुबह एकदम से वॉक करने के लिए। आते हैं लोग बीच पे, लोग रनिंग करते हैं, लोग यहाँ पे यहीं पे नहीं हर बीच पे लोग रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं सुबह उठ के शाम में कभी भी, ऐसे मज़ा आता है लोगों को। देखते हैं शाम को यहीं सनसेट होता है। ये सारे ना जितने इस साइड वाले बीच है सारे सनसेट वाले बीच है अपने इंडिया में, ये पूरा वेस्ट साइड पे ना, यहाँ से चलते हैं ऊपर। चलो से है ना रास्ता मंदिर का, पता है? हाँ ये सीधा जाने का नीचे। हाँ सीधा, मैं कह रही थी उधर से चलते रेड़ते आराम से सीधा रास्ता। पापा भाग गए? पापा भाग गए तो रास्ता है नहीं कहीं जाने का, डर लग रहा है। टूटे फूटे पानी यहाँ तक होता है। आ जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये उल्टा सीधे पत्थर है। आ जाओ। क्या कह रहे हो पापा? मैं कह चले गए, यूं नहीं साथ लेके चलूं, सारा बैलेंस ही नहीं बन रहा मेरा। मैं लेके चलता हूं ना, धीरे-धीरे चलो मेरे साथ। चलो बस पत्थरों पे पैर रखना धीरे-धीरे। ये हमने थोड़ा गलत रास्ता ले लिया आने के लिए बीच पे, वहां से आराम से जाते हैं। थोड़ा खराब है रास्ता, आराम से आना। यहां वाले पत्थर पे रखो पैर। हां इस वाले पे रखो फिर आराम से पैर। पकड़ूं किससे? कुछ नहीं पकड़ना, सीधा सीधा पैर रखो। आ जाओ मेरे को हाथ दो, हाथ दो। चलो आ जाओ, बस इधर आ जाओ, हो गया बस। मिट्टी देखने हाथ लगा के अब सही लग रहा है, उसके पास चले। बीच देखो कितना खाली बीच है। वैसे तो मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप सीधा कार से जा सकते हो
या फिर बीच वाले रास्ते से चल के जा सकते हो। हमने सोचा चल के जाते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बीच पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वेव्स का साउंड बहुत अच्छा आ रहा था, यू नो, उसकी वजह से बहुत रिलैक्सिंग सा फील हो रहा था। तो फिर हम आराम से बातें करते हुए जा रहे थे। मॉनसून के वक्त यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, इसलिए बीच ऑलमोस्ट पूरा खाली पड़ा था, पर कुछ ही लोग थे और वो ATV बाइक राइड कर रहे थे। पर फिर भी सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो मम्मी कर रही थी। और पता है फिर क्या हुआ, हम बातें करते करते इतना बिजी हो गए कि रास्ता ही गलत ले लिया, एकदम डेड एंड पे पहुंच गए, जहाँ से अब ये वाटर क्रॉसिंग करना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर हमें वापस पूरा घूम के जाना पड़ा। बीच पर थोड़ा सा वेस्ट देख के अच्छा नहीं लगा, बट पता चला कि मॉनसून के बाद पूरा बीच क्लीन किया जाता है यहाँ पे। और ये दोनों मंदिर बीच के एकदम पास पे हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी दिखता है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, मगर फिलहाल के लिए मंदिर चलते हैं। तो मंदिर के बाहर आपको काफ़ी शॉप्स दिखेंगी, जहाँ से आप पूजा का सामान भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दो मंदिर है और उसके आगे जाके व्यू पॉइंट है, ये काल भैरव का मंदिर है और ये हरिहरेश्वर मंदिर है। और यहाँ पे आप निकल के बाहर व्यू पॉइंट पे जा सकते हो और उसके बीच पे भी जा सकते हो। हमने आराम से दोनों मंदिर के दर्शन किए और थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद मंदिर के पास हमें कुछ फैंस मिले, जिनको मिलके हमेशा अच्छा लगता है, और हर ट्रिप पे कोई ना कोई मिलता है। यू नो, इससे पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखना कितना पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस व्यू पॉइंट है, शुक्ल तीर्थ व्यू पॉइंट, जो कि मंदिर से आधा घंटा दूर है। पर घर वाले इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम मंदिर के जस्ट बाहर वाले व्यू पॉइंट से सनसेट को देख रहे थे। यू नो, इस जगह से पूरा हरिहरेश्वर बीच का व्यू दिखता है। सो आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है सनसेट के लिए। मम्मी पापा को बीच वाला सनसेट काफ़ी पसंद आया और हमने ढेर सारी बातें भी की। पर जब हमें वापस जाना था तो अंधेरा होने लग गया था, इसलिए हमने मंदिर वाले रास्ते से जाने का नहीं सोचा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा पड़ जाता। तो हम एक शॉर्टकट लेते हुए रॉक्स वाले रास्तों से क्रॉस करते हुए बीच की तरफ निकल गए। अब बीच पर पहुंचने के बाद मम्मी को पानी में चलना था, पर पापा को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी को ज्वाइन करता हूं और मैं उन्हें लेके जाता हूं। दिस वॉज माई फर्स्ट हॉलीडे विद माई पेरेंट्स एंड इट वॉज द बेस्ट हॉलीडे। आई फेल्ट सो मच बेटर। और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आगे के सारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे मैं मम्मी पापा को लेके ही जाऊंगा। देखो, दोस्तों के साथ तो हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, मगर घर वालों को जब तुम घुमाने ले जाते हो ना, तब देखना आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। वैसे हमारी ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई है, कल मैं मम्मी पापा को क्लिफ बीच पे लेके जाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ बीच ड्राइव करते हुए हम दो तीन बीचेस और एक्सप्लोर करेंगे। सो इंतज़ार करना अगली वीडियो का। अगर ये वीडियो मज़ा आया तो आपको अगली वीडियो में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने यहाँ तक देखी हो, then don't leave without hitting the like button and subscribe to the channel for future videos. Comments mein mujhe bata dena ki kaisa laga. So yeah, with that said, I will see you in the next one. Till then, take care. Bye-bye. Dhanyawad.
ये आपकी जो पोस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, इवन आप जो लिखते हो इट्स लाइक ऑसम, इवन सम ऑफ द पोस्ट मैं कॉपी करता हूँ सेम उस वे में फोटोज लेने के, बट वैसे हो नहीं पाते, बट इट रियली टू गुड।